अभी शुरू कर दो ये चार काम, शीघ्र पतन जल्दी ठीक हो जाएगा। यह विषय पे आज मैं बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा लोग आते रहते हैं कि भाई शीघ्र पतन हो रहा है और हमको उसे छुटकारा चाहिए, दवाई खा रहे हैं मगर फायदा नहीं हो रहा है। मैं आज बता रहा हूँ आपको बिना दवाई का शीघ्र पतन का इलाज, ये चार काम आपको करने होंगे जो पुराने ज़माने में लोग करते थे और उनको प्रॉब्लम नहीं था। आज क्या हो रहा है, आज बहुत सारे युवा लोग आ रहे हैं और वो कंप्लेन करते हैं कि शीघ्र पतन होता है। शीघ्र पतन के जो कारण है वो अनेक कारणों से होता है, उसके मैंने अलग वीडियो बना के दिए हुए आपको। सबसे ज़्यादा है कि सेंसिटिविटी बहुत हाई हो गई है, स्ट्रेस, टेंशन, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये सब वजह है कि जिस शीघ्र पतन होता है। तो उसके लिए फिर अभी मैं आपको बताता हूँ ये चार काम करना है। तो पहला काम कौन सा है, नंबर एक, पेशाब जो है वो बैठ कर और रुक रुक कर करना। अब जब आप रुक रुक कर पेशाब करते, मतलब पेशाब की धार जो है वो, पेशाब की धार शुरू हो गई तो रुकना, फिर करना, फिर रुकना, फिर करना, मतलब हर पेशाब करने के समय रुक रुक कर पेशाब करने का है। जब आप पेशाब को कंट्रोल करेंगे, रोकेंगे, तो क्या होता है कि पेल्विक मसल जो है वो काफ़ी मजबूत होती है और उसमें स्ट्रेंथ आती है। और वो बैठ के पेशाब करते हैं, देखो पुराने ज़माने में लोग बैठ कर पेशाब करते थे, अभी लोग बैठ कर पेशाब नहीं करते। बैठ कर पेशाब करना वो भी बहुत आवश्यक है। बैठ कर पेशाब करते हैं उकड़ू बैठ कर, मतलब स्क्वैटिंग पोजीशन में, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है पेल्विक मसल स्ट्रांग बनाने में। तो बैठ कर पेशाब करना और वो भी रुक रुक कर करना, ये है ज़रूरी आपका पहला काम। नंबर दो जो है वो उकड़ू बैठने की प्रैक्टिस करना, मतलब स्क्वैटिंग पोजीशन में उकड़ू बैठना है। अब वो उससे क्या होता है, उससे अपने शरीर को लचीलापन एक तो आता है, मजबूत होती है मांसपेशियाँ, वजन कम होता है, पेट जो है पेट की चर्बी कम हो जाती है, हाथ पैर की मांसपेशियाँ जो है वो मजबूत हो जाती है। आप बैठकर खाना खाओ, ऐसे उकड़ू बैठकर खाना खाओ। शौच जब बैठे तो उकड़ू बैठकर करो, वेस्टर्न टाइल पे मत करो। वेस्टर्न टाइल पे कर रहे हैं समझो तो पैर के नीचे स्टूल रखो, मगर ज़्यादा जैसे पुराने ज़माने में जो इंडियन स्टाइल है, तो इंडियन स्टाइल में जो बैठकर करते हैं शौच लैट्रिन, तो वो बैठकर करने में बहुत फ़ायदा होता है। यूरिन भी बैठना है तो बैठ के पास करना है पेशाब, और लैट्रिन भी बैठ के करना है, उकड़ू बैठ के करना है। वैसे आप 2 से 10 मिनट रोज उकड़ू बैठने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उठक बैठक किया, मतलब बैठक मारे जोर, बैठना उठना बैठना उठना, कम से कम 20 से 30, तो बहुत अच्छा है, उससे हल्कापन आ जाएगा और अपना पेल्विक एरिया जो है वो टाइट होने में मदद हो जाएगी। आप ऐसे बैठ सकते नहीं तो दीवार का सहारा लो या कुछ भी हाथ में ले लेना, ऐसा उसको हाथ में पकड़ना, फिर बैठना है, फिर उसको जो ऊपर जोर देके फिर खड़ा रहना है। ऐसा कुछ दिन तक आप कर सकते जब तक प्रैक्टिस नहीं होती, बाद में वो छोड़ देना है और सिर्फ दंड बैठक का, मतलब बैठक निकालने का है, कम से कम 20 से 25 बैठक रोज निकालो, 2 से 10 मिनट बैठो, उकड़ू बैठना है। 2 गिलास सवेरे, मैं हरदम बोलता हूँ कि भाई सुबह जब आप उठते हैं तो 7-8 घंटे आपका डिहाइड्रेशन हो चुका है, मतलब 7 से 8 घंटे जब तक आप सोते हैं तब तक आप डिहाइड्रेट हो चुके हैं, मतलब पानी निकल जाता है शरीर का, पानी नहीं रहता है। तो सुबह उठ के आप 2 गिलास गुनगुना पानी पियो, और वो भी उकड़ू बैठ के आप गुनगुना पानी पीते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। उकड़ू बैठ के पेशाब करना, लेटरिन करना, मतलब शौच करना, इससे ये पाया गया है कि कोलोन जो है उसका कैंसर, उसका प्रमाण कम हो जाता है। 3रा जो है वो है खड़े होकर काम करना। क्या होता है कि स्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, खड़े रह के काम करना, और सीटिंग पोजीशन में, मतलब बैठ के काम करना, ये नया स्मोकिंग कहा जा रहा है आजकल। बैठकर काम करना ही क्या है, दिस इज़ न्यू स्मोकिंग, मतलब स्मोकिंग जितना आदत
डाल देता है स्मोकिंग करने के, जितना नुकसान होता है स्मोकिंग से, धूम्रपान करने से, उतना ही नुकसान बैठ के काम करने से होता है। आप यदि खड़े रह के काम करते हैं तो आपको आपकी मसल्स जो है पैर की, कमर की नसें जो है वो टाइट हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी और उससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जैसा आप खड़े हो जाते हैं और काम करते हैं तो पाचन क्रिया अच्छी होती है, वजन कम होता है, दिल के लिए बहुत अच्छा होता है स्टैंडिंग पोजिशन में काम करना। स्टैंडिंग पोजिशन में मतलब खड़े रह के आप काम करते हैं तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है। दिन भर में कम से कम आपने 3 से 3.5 घंटे स्टैंडिंग पोजिशन में काम करना चाहिए, ये तो मिनिमम है। मगर लोग थोड़ा कुछ हो गया तो बैठ जाते हैं। मैं हरदम देखता हूँ कि जहाँ भी कहीं मैं जाता हूँ तो वहाँ बैठने के बदले खड़े रहा तो अच्छा है। लोग बोलते नहीं बैठो डॉक्टर साहब, बैठो बैठो, मतलब नहीं मैं खड़े रहता हूँ और मैं खड़े रहते कि बातचीत करूँगा, खड़े रह के इधर से उधर हिलूँगा डुलूँगा ताकि बैठक कम से कम हो जाए। चौथा जो है वो है नंगे पाँव चलना। नंगे पाँव चलना ये बहुत अच्छा है सेहत के लिए, उससे हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स जो है जो तैयार होते रहते हैं तो वह साफ़ सफाई करने में मदद होती है, क्योंकि ज़मीन से मतलब मिट्टी से, ज़मीन से, ज़मीन की मिट्टी से जो पैर में प्रेशर पॉइंट्स तैयार होते हैं वहाँ से, और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो मिट्टी से एब्सॉर्ब होते हैं। मतलब एक तो प्रेशर पॉइंट से फ़ायदा होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स जो स्किन चमड़ी जो है वो जो मिट्टी को टच होती है वहाँ से एंटीऑक्सीडेंट एब्सॉर्ब हो सकते हैं। तो लोगों का खेती में चलना, पैदल चलना, मिट्टी के ऊपर चलना, पहाड़ के ऊपर ट्रैकिंग करना, बगीचे में चलना, जहाँ भी मिट्टी का और पैर का टच हो जाए वहाँ चलना और वहाँ टच करना, इतना मतलब बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। देखो धरती को धरती माँ कहते हैं, इसलिए कि बहुत ही फायदेमंद है। मतलब आप नंगे पाँव चलो, नंगे पाँव ज़मीन पर आप सो सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी ज़मीन को टच करेगी। उसके साथ साथ आपको उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना यदि आप सोते हैं तो, मतलब पैर दक्षिण की तरफ नहीं होना है क्योंकि दक्षिण की तरफ पैर अच्छा नहीं माना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो तैयार होते हैं ज़मीन के टच से वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर इम्यूनिटी। जब आप सोते ज़मीन के ऊपर, ज़मीन से ज़्यादा टच करते हैं, अर्थिंग जो बोलते हैं, मतलब अर्थिंग के फ़ायदे, बेनिफिट्स ऑफ अर्थिंग, आप अलग वीडियो देख सकते हैं हमारा बेनिफिट्स ऑफ अर्थिंग, फ़ायदे क्या है। तो उससे हमको फ़ायदा ये दिखा है कि कॉर्टिसोल लेवल है जो, मतलब स्टीरॉयड लेवल जो है, कान तनाव वाली जो हार्मोन है वो कम निर्माण होगी, नींद अच्छी आएगी, थकान कम होगी, मूड अच्छा बनेगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। ग्राउंडिंग मैट मिलती है, ग्राउंडिंग मैट, तो वो मैट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ज़मीन को टच करो, मिट्टी को टच करो, जितना ज़्यादा समय तक आप कर सकते उतना ज़्यादा करो। कम से कम ज़मीन को जब टच करते हैं आप तो मतलब नंगे पाँव चलना, नंगे पाँव घूमना फिरना वो कम से कम 20 मिनट से 1 घंटा होना चाहिए। ये 4 चीज़ें आप करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, तो एक तो पाचन क्रिया अच्छी होंगी, हार्ट अच्छा होगा, इम्यूनिटी बढ़ेंगी, शरीर में लचीलापन आएगा, आप फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, सेक्स में आप एक अच्छा प्लेयर करके काम करेंगे। और इससे सबसे पेल्विक फ्लोर जो है, नीचे वाली जो मसल्स है अपनी मांसपेशियाँ, उसमें वो स्ट्रांग होती है, शक्तिशाली होती है, जिससे शीघ्रपतन में फ़ायदा होता है। तो ये 4 चीज़ें, ये 4 काम जरूर कीजिएगा। आपको क्या फ़ायदा हुआ कमेंट्स में जरूर डालिएगा। यह आपको कम से कम 6 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू वेरी मच।